हेलो एवरीवन, आज हम लोग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंदर सेक्शन 105 को समझेंगे। सेक्शन 105 डील करता है लीज के ऊपर, तो आज हम लोग समझेंगे लीज का क्या मतलब होता है। लीज को अगर एक आसान भाषा में हम लोग समझें तो लीज एक तरीके का किराएदारी है, यानी इसमें आप अपनी कोई चीज किराए पे देते हैं, अपनी अचल संपत्ति किराए पे देते हैं किसी को। अब ये जो किराए पे देना होता है ये कोई टाइम के लिए हो सकता है, मतलब एक फिक्स टाइम के लिए होता है, या ये परपेचुटी के लिए भी हो सकता है, यानी परमानेंट भी हो सकता है। तो उसी के ऊपर सेक्शन 105 कहता है। सेक्शन 105 कहता है कि लीज एक तरीके का ट्रांसफर ऑफ राइट है। ये कहता है कि लीज इज अ ट्रांसफर ऑफ राइट, ये ट्रांसफर ऑफ राइट है एक किसी अचल संपत्ति के ऊपर उसको एंजॉय करने के लिए। ये कुछ टाइम पीरियड के लिए भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है, वो उसको एक्सप्रेस तौर से भी लिखा जा सकता है, बताया जा सकता है, और इम्प्लाइड तौर से भी हो सकता है। अब इसके लिए कुछ कंसिडरेशन होता है, यानी जिसको आपने किराएदारी पे, जैसे आप कोई मकान देते हैं तो उसके बदले में कोई रेंट देता है, तो उसी तरीके से इसमें भी बताया जा रहा है कि उसके लिए या तो प्रीमियम दिया जाएगा या तो रेंट दिया जाएगा। अब इस प्रीमियम और रेंट के अंदर जो जनरल एक फर्क है वो ये होता है कि प्रीमियम जो होता है उसको आप एक बार में दे सकते हैं, यानी एक बार में उठा के पूरा पैसा दे दिया, जो लमसम बन रहा है आपने दे दिया। रेंट जो होता है उसको पीरियोडिकली दिया जाता है। अब इसके अंदर जो रेंट को बताया गया है, रेंट के अंदर इन्होंने कई चीजों को इंक्लूड कर दिया। इन्होंने कहा कि शेयर इन क्रॉप्स, अगर क्रॉप्स का जो शेयर है उसको भी ये इसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, किसी तरीके की सर्विस है उसको भी इंक्लूड कर रहे हैं ये इसकी रेंट के डिफिनेशन के अंदर। और ये कह रहे हैं कि जो चीज हो, जो रेंडर्ड हो पीरियोडिकली, जो रेंडर्ड हो पीरियोडिकली, जैसे हमने बताया कि उसके कोई पीरियड होता है, एक महीने के अंदर, 6 महीने में, एक साल में, जो उसको आप जो एक पीरियोडिकली जिसको आप देते हैं। अब इसके अंदर जो व्यक्ति अपनी अचल संपत्ति देता है उसको बोलते हैं लेसर, और जो व्यक्ति उस अचल संपत्ति के अंदर रहता है या उसको इस्तेमाल करता है उसको हम लोग कहते हैं लेसी। तो ये होता है लीज का मतलब। अब हम लोग इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं और इसको थोड़ा सा आसान शब्दों में समझते हैं। अब लीज के बारे में जैसे हमने बताया कि लीज जो होती है एक तरीके की किराएदारी होती है, जिसके अंदर एक व्यक्ति जो है अपनी अपना घर, मकान या जो चीज होती है उसको लीज पे देता है, पट्टा जिसको हम लोग बोलते हैं। जनरली जैसे पट्टा होता है 99 साल का पट्टा हो गया, जो फ्री होल्ड मकान नहीं होते हैं अक्सर कई बार वो पट्टे पे दिए गए होते हैं, गवर्नमेंट लेसी होते हैं लोग उसके अंदर, तो ये वही चीज होती है, पट्टा उसी को हम लोग बोलते हैं। तो अब पट्टे के अंदर, अब ये जो है इसके अंदर दो पार्टी होती है, लेसर और लेसी, और एक सब्जेक्ट मैटर प्रॉपर्टी होती है, कंसीडरेशन सेट किया जाता है। अब लेकिन एक चीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा नोट करने वाली, वो ये है कि पहली चीज तो ये कि इसके अंदर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही है जैसी कि सेल में होती है सेक्शन 54 के अंदर। और दूसरी चीज, लीज जो है वो आप किसी माइनर के साथ नहीं कर सकते, मतलब लीज के लिए दोनों पार्टी जो है संविदा के लिए सक्षम होना चाहिए, यानी वो कंपेटेंट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जो कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर सेक्शन 10 के अंदर जो कंपेटेंसी के बारे में बताया गया उसके लिए वो सक्षम होना चाहिए। जैसे मॉर्गेज और सेल आप किसी माइनर को कर सकते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को कर सकते हैं जिसकी उम्र 18 साल से कम है, लेकिन लीज में आप उस व्यक्ति को नहीं कर सकते हैं जिसने जिसकी अभी 18 साल उम्र नहीं हुई है, यानी आप एक माइनर को लीज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि लीज के अंदर कोवनेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है कि मैं पीरियोडिकली रेंट दूंगा, प्रीमियम दूंगा, सर्विस दूंगा। तो इस वजह से क्योंकि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं सकता है तो ये माइनर को आप लीज नहीं कर सकते हैं, अगर आप करेंगे तो ये वॉइड होगा। तो इसके लिए जो है दोनों पार्टी को सक्षम होना है। तो इसके अंदर दो पार्टीज हो गई कि एक लेसर हो गया है, एक लेसर हो गया, एक लेसी हो गई। तो इसके बारे में इसके अंदर बताया गया सब्जेक्ट मैटर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी जो इसका सब्जेक्ट मैटर होगा वो अचल संपत्ति होगी। अब वो अचल संपत्ति टैंजिबल भी हो सकती है, इनटैंजिबल भी हो सकती है। इनटैंजिबल जैसे बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड, यानी जो बेनिफिट आ रहा है आपका लैंड से, जैसे फिशरीज हो गया और फेरीज हो गया, मार्केट ड्यूज हो गए, ये चीज होगी। फिर ड्यूरेशन के अंदर आता है। अब इसके अंदर ये कितने ड्यूरेशन की होगी, जैसे इसके अंदर बताया गया कि कुछ टाइम के लिए या परपेचुटी के लिए होगी। अब इसके अंदर दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक है टीनेंसी एट विल और एक सफरेंस, एक टीनेंसी बाय सफरेंस है, एक टीनेंसी बाय विल है। टीनेंसी बाय विल है जिसके अंदर जो जनरल तरीका है वो ये कि जब लीज बनाई जाती है तो उसके अंदर टाइम लिखा जाता है कि कितने टाइम के लिए बनाई जा रही है। अगर टाइम नहीं लिखा तो वो वॉइड होती है। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपने कोई लीज बनाया है, लीज तैयार कर रहे हैं, जिसको आप दे रहे हैं, वो
यानी लेसी जो है उसके अंदर उसका कब्जा ले लेता है, उसका कब्जा ले लेता है और आप भी उसको कंसेंट दे देते हैं कब्जा करने के लिए, तो आप कोई चीज लीज के अंदर नहीं लिखी हुई है, तो यहां पे टीनेंसी एट विल क्रिएट हो जाती है, यानी कि ये आपकी मर्जी से क्रिएट हुई, आप जब चाहे इसको खत्म कर सकते हैं, तो आप चाहे दोनों पार्टी में से कोई, चाहे लेसी या लेसर, इसको जब चाहे इस लीज को खत्म कर सकता है। और जो टीनेंसी बाय सफरेंस होती है, टीनेंसी बाय सफरेंस का मतलब होता है कि जो टाइम लीज का बनाया गया है, जो टाइम लीज का बनाया गया है, अब उसके बाद भी जो लेसी है वो उसके अंदर कब्जे में है बिना लेसर की कंसेंट पे, तो टीनेंसी बाय सफरेंस क्रिएट हो जाती है। इसके अंदर जो लेसर होगा वो कभी भी अपने उस मकान में घुस सकता है और वो मान लिया जाएगा कि टीनेंसी खत्म हो चुकी है, क्योंकि ऑलरेडी वैसे भी टीनेंसी खत्म हो चुकी है, वो तो अवैध तरीके से लेसी रह रहा है। फिर इसके अंदर कंसिडरेशन होता है प्रीमियम और रेंट। अब इसके अंदर अब दो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है कई बार, वो कि लीज और लाइसेंस में क्या फर्क है। लीज जो सेक्शन 105 के अंदर बताया गया है, लीज के अंदर जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि इसके अंदर ट्रांसफर ऑफ राइट होता है, मतलब एक राइट होता है कि एक संपत्ति के अंदर जो अचल संपत्ति है उसके अंदर एक राइट ट्रांसफर हो रहा है उसको एंजॉय करने के लिए, जो सेक्शन 105 में बताया गया टीपी के अंदर। लेकिन लाइसेंस क्या है, जो सेक्शन 52 इंडियन इजमेंट एक्ट के अंदर बताया गया। अब लाइसेंस में और इसमें जो सबसे बड़ा फर्क है वो एक केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के एक केस के अंदर बताया गया था कि एसोसिएशन होटल्स इंडिया वर्सेस आर एन कपूर, एसोसिएशन होटल ऑफ इंडिया वर्सेस आर एन कपूर में बताया गया कि जो मेन दोनों का फर्क है वो देखा जाएगा कि जो डीड तैयार करी गई उस डीड में क्या लिखा हुआ है, दोनों पार्टी की इंटेंशन क्या थी। और इसके अंदर बोला गया कि अगर डॉक्यूमेंट जो है किसी तरीके का प्रॉपर्टी के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करता है तो ये लीज हो गया, लेकिन अगर ये सिर्फ इजाजत देता है कि उस संपत्ति को इस्तेमाल कर लो तब ये लाइसेंस रहेगा। और इफ अंडर द डॉक्यूमेंट अ पार्टी गेट्स एक्सक्लूसिव पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी प्राइमा फेसाई ही इज कंसिडर्ड टू बी अ टीनेंट बट सर्कमस्टांसेस मे बी एस्टैब्लिश विच निगेटिव द इंटेंशन टू क्रिएट। तो ये लीज के अंदर थोड़ी चीजें थी जिसको हमने कवर कर लिया है, क्योंकि जो मेन चीजें थी वो लीज के अंदर हम लोगों ने कवर कर लिया है। बाकी और चीजें इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट हैं वो हमारे रीडिंग करने के लिए हैं, बाकी जो मेन चीज है, जो मेन एसेंस है और जो मेन पार्ट था लीज का, वो हमने कवर कर लिया है।